और है, जिसमें आलू, साबूदाना, धनिया, मिर्ची, नमक, मसाला सब मिक्स होगा, फिर तेल में तला जाएगा। तो जब तेल में तला जाएगा तब मिलेगा। और ये साबूदाना का पकौड़ा मस्त है, मेरे मुंह से तो पानी आ रहा है भैया, अभी खाऊंगा। और इधर पक रहा है और इधर टेस्ट करते हैं, और क्या गर्मा गर्म खाने में ही मज़ा है यार, क्या बोलते हो जी? दोस्तों ये हमारा गोली हो गया है, ट्रायल बेसिस पे फैमिली मेंबर के हिसाब से लाया हुआ है, 13 पीस बना है। इधर गुनगुना तेल गर्म हो रहा है और इधर चाशनी तैयार हो गया है, लग्जरी पीस हो गया है, लार्ज पीस हो गया है। तो कोई नहीं, चलो अभी इसको चाशनी में डालते हैं। गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन या काला जामुन बोल सकते हैं, बन के तैयार है। और मानसी और यहाँ बेताब है खाने के लिए, कटोरी चम्मच सब लेके आ गए हैं। तो चलिए पहले निकालता हूँ और खाने के लिए देता हूँ इन लोगों को। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों अभी हम सुबह हो रही है, तो अभी चाय और नाश्ता अभी यहाँ पे रेडी है। चाय नाश्ते में है देखो, ब्रेड टोस्ट, इसको रोस्टेड किया गया है, और हम लोगों का है चाय, और ये बच्चे लोग अभी समझदार हो गए हैं, इन लोगों का है दूध, है ना यहाँ? गुड मॉर्निंग यान, इधर देख के बोलो गुड मॉर्निंग जोर से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज कविता जी आज नाश्ते में टोस्ट ब्रेड को रोस्टेड करके टोस्ट बना दी है, और नाश्ता करते हैं और खाने में देखते हैं क्या मिलता है। और आज मानसी का स्कूल भी जाना है, तो ये सब काम पटा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले नाश्ता कर लेते हैं। देखो मानसी और यहाँ दोनों जूस पी रहे हैं, और दोनों बाट बाट के पी रहे हैं। देखो वाह वाह, नाइस। और वो देखो चिल्ला रहा है हूँ करके, नंगा पुंगा। इधर इधर, तो चलो दोस्तों अभी मैं भी खाना खा लेता हूँ। यार खाने में क्या है मैडम जी, खाना वाना खिलाओगे? लाओ जो है दो, गरीब को खाना खिलाओ, घर पे बैठा हो तो इसका मतलब ये थोड़ी खाना भी नहीं दोगे, दो खाना दो। दोस्तों खाना पीना खाने जा रहे हैं अभी, और इसमें देखो मस्त फुलावर का सब्जी बना हुआ है, तरी तरी वाला एकदम, और भात है। तो चलिए दोस्तों पहले खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद फ्रेश होकर दाढ़ी वाड़ी बना के, उसके बाद फिर स्कूल जाना है। मानसी सब का काम है कुछ, तो वो भी कर लेते हैं आज। हेलो दोस्तों, अभी सीधा खाना खाने के बाद, संडे था, जाहिर सी बात है आराम करने के लिए सो गए थे। उसके बाद अभी बाज़ार से देखो लेके आए हैं कुछ सामान, जिसमें लेके आए हैं दूध, तो दूध अभी इसमें खाली किया जाएगा, और एक लेके आए हैं छाछ, तो ये मैडम जी पियेंगी, उनको थोड़ा तकलीफ है, और एक है इलायची, क्योंकि आज ये स्पेशल चीज़ बनने वाला है, तो इलायची इधर रख देते हैं। और है धनिया पत्ता, तो धनिया पत्ता से भी आज चटनी बनने वाला है, और उसके लिए भी स्पेशल चीज़ बनेगा, क्या बनेगा वो वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, ये देखो फोटो देख के तो समझ में आ ही गया होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चार पैकेट लाया था मैं, छोटा छोटा ये आता है, चार पैकेट लाया था, और अभी ये खोल के ले लिया हूँ, अभी इसको दूध में पूरा सोन के यार ले लेता हूँ, और उसके बाद आज घर पर बनाते हैं गुलाब जामुन। कैसा बनेगा गुलाब जामुन देखते हैं, ट्राई करते हैं। हालांकि बहुत पहले बनाया हुआ है, लेकिन काफ़ी टाइम से नहीं बनाया हुआ, तो कैसा बनता है घर का गुलाब जामुन अपने हाथों से, तो बनाएंगे और ये बच्चे लोगों को खिलाएंगे। तो चलिए पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, और स्पेशल एक और चीज़ बनेगा जो कविता बनाएगी, तो वो क्या बनेगा मुझे नहीं मालूम, वो बनने के बाद आपको बताया जाएगा, या बीच में प्रोसेस अगर मुझे मिल गया बनते हुए तो मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं बनाने जा रहा हूँ गुलाब जामुन। दोस्तों अभी मैंने गुलाब जामुन का जो आटा होता है वो ले लिया है गूंद के, देखो इसको गूंद के ले लिया हूँ, और इसको दूध में गूंदा गया है, ठीक है। अगर आपको बनाना हो तो सिंपल सा इसका फार्मूला है, दूध में इसको गूने, और गूने कैसा, जैसा रोटी का आटा रहता वैसा ही गूने, और उसके बाद गोल गोल लोया बना के धीमी आँच में इसको तल देना है, जो आगे मैं तलूँगा प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा। ये चढ़ा दिया चाशनी, जो इसको तेल में तलने के बाद इसमें डाला जाएगा, और हमारा रस एक गुलाब जामुन तैयार हो जाएगा। उधर दूध गर्म चढ़ा दिए हैं, और इधर आलू छिला गया है,
जो कविता मैडम क्या बनाने वाली है वो मुझे नहीं मालूम। इसका पकोड़ा। क्या? इसका पकोड़ा साबूदाना के साथ। तो साबूदाने का पकोड़ा बनेगा दोस्तों, ये बनाएगी कविता जी और मैं बना रहा हूँ गुलाब जामुन। और बच्चे लोग इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए, मानसी और यहाँ ना यहाँ खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं ना। ठीक है चलो जल्दी बनेगा क्योंकि मैं फास्ट काम कर रहा हूँ। इधर चाशनी उबल गया है, अब फटाफट मेरा ये चाशनी बना कि इसको गोली बनाऊंगा और तेल में तलूंगा और फटाक से मेरा गुलाब जामुन। देखो पापा रसगुल्ला बना रहे हैं। देखो दोस्तों इस तरह से गोल गोल कर लेना है, इस तरह से अंडे के जैसा गोल गोल बना लेना है और उसके बाद धीमी आंच पे तेल पे चढ़ाएंगे। तो पहले इसको बना लेते हैं पूरा गोल गोल। दोस्तों ये हमारा गोली हो गया है, ट्रायल बेसिस पे फैमिली मेंबर के हिसाब से लाया हुआ है, 13 पीस बना है। इधर गुनगुना तेल गर्म हो रहा है और इधर चाशनी तैयार हो गया और इधर मैं रेडी हूँ गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो मैं गुलाब जामुन मेहनत करके बना रहा हूँ, खाऊंगा मैं, लेकिन आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। और आपको अगर खाना है तो अपना पैसा लगा के भैया ये पैकेट दुकान से मंगा के इसी तरह से बना के खाना है और ला के बना के खाएं, फैमिली के साथ खुश रहें। अभी लास्ट में दिखाऊँगा कि मेरी बीवी कितना खुश है मैं बना के खिलाऊँगा तो इसी तरह से आपका भी परिवार खुश रहेगा। तो अभी चलिए दोस्तों ज़्यादा बकबक ना करते हुए अभी बनाते हैं, ये थोड़ा गुनगुना हो जाएगा उसके बाद इसमें डालेंगे। ठीक है तो चलिए दोस्तों तेल गर्म हो गया है तो अभी इसमें एक कप करके डालते हैं और जय श्री राम जी का नाम लेके बढ़िया रस गुलाब जामुन बढ़िया बने, मेरा नाम फेल ना हो, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ मैं तो अच्छा बने इसके लिए। दोस्तों इसको अगर आप घर पे बनाओ तो डालते के साथ इसको चलाते रहें ताकि ये जो एक साइड से ज़्यादा लाल हो चुका है वैसा आपका ना हो और आपका गुलाब जामुन अच्छा दिखे। तो मैं डालते डालते लेट हो गया तो ये एक साइड से ये हो गया, देखो तो वो दागी दागी दिखेगा और कुछ नहीं, खाने में टेस्ट में कमी नहीं होगी। और बाकी अभी देखो इसको थोड़ा एकदम लाल करते हैं चकाचक और उसके बाद छानने में डालते हैं। तो दोस्तों अभी ये हमारा मटेरियल तैयार हो चुका है, अब इसको डालेंगे चाशनी में और चाशनी में डालने के बाद और भी मज़ा आ जाएगा। हालांकि मेरा पीस जो है वो बड़ा बड़ा हो गया है, एकदम लग्जरी पीस हो गया है, लार्ज पीस हो गया है, तो कोई नहीं चलो अभी इसको चाशनी में डालते हैं। और अब इसको भीगने के बाद कैसा बनेगा गुलाब जामुन, बार बार रसगुल्ला मेरे मुंह से निकल रहा है, उसके बाद देखते हैं। तो हमारा रसगुल्ला बनके तैयार, सॉरी दोस्तों सॉरी, ये गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन या काला जामुन बोल सकते हैं, बनके तैयार है। और मानसी और यहाँ बेताब है खाने के लिए, कटोरी चम्मच सब लेके आ गए हैं। तो चलिए पहले निकालता हूँ और खाने के लिए देता हूँ। यहाँ कैसा लगा आपको, मस्त मजा आया मानसी को? अच्छा है ना। कविता जी आइए टेस्ट करके बताइए जरा कैसा बनाए हैं। बताइए जल्दी बताइए कैसा बनाए हैं, थोड़ा मालूम तो पड़ना चाहिए ना। मैं भी खा रहा हूँ भाई, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा सुपर बना है, कहीं भी शादी ब्याह में मैं ऑर्डर मिलेगा तो बना सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सब चट किए जा रहे हैं। दोस्तों गुलाब जामुन कैसा बना उसको कलर देख के और डिजाइन देख के आप लोग बता सकते हो, कमेंट आप लोग जरूर करें, थोड़ा हमारा हौसला बढ़े। और ये दोनों खा के मस्त है, अच्छा लगा ना तुम लोग को? हाँ। अब अभी है ना, अब जो दूसरा आइटम बन रहा है, क्या बन रहा था मानसी? साबूदाना का वड़ा कुछ बन रहा था, साबूदाना आलू मिक्स करके और हरा चटनी। तो अभी उसका इंतजार है, कविता उधर बना रही है, वो जब बन के आएगा फिर उसको खाएंगे। तो इंतजार करते हैं, जब तक आता नहीं है ये वड़ा में टाइम है। मैडम जी झूठ बोल के बुलाई कि हमारा रेडी हो गया लेने के लिए आया, तो अभी देख रहा हूँ अभी सब मिक्स हो रहा है, जिसमें आलू साबूदाना धनिया मिर्ची नमक मसाला सब मिक्स होगा, फिर तेल में तला जाएगा। तो जब तेल में तला जाएगा तब मिलेगा। और ये देखो झूठ लिखे
क्यों झूठ बोली? दोस्तों ये रहा लजीज, क्या बोलते हैं इसको जी? साबुदाना का पकोड़ा मस्त है। मेरे मुंह से तो पानी आ रहा है भैया, अभी खाऊंगा। और इधर पक रहा है और इधर टेस्ट करते हैं। और क्या गर्मा गर्म खाने में ही मजा है यार, क्या बोलते हो जी? खाओ जल्दी जल्दी ना, तो फिर नरम हो जाता है। तो खिलाओगे तब ना, चटनी वटनी परोस के दो फटाक से। अभी इसको बना रही हूँ ना, फिर तो गरम गरम खाने के लिए भी बोल रही है। अरे ऐसा कैसा चल। दोस्तों ये रहा, नाम ही भूल जाता हूँ मैं बार बार इसका, मानसी क्या नाम है इसका? ये रहा दोस्तों साबुदाना पकोड़ा और चटनी, और इसको टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है। मस्त बना है, लाजवाब चटनी भी सुपर है। तुम लोग खाओ। वाह वाह वाह, तो दोस्तों हम लोग तो ये खा के इंजॉय करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।